आखिर मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। अब क्या होगा? क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं, फिलहाल उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन इसके लिए उन्हें 23 अप्रैल से पहले अपील में जाना होगा, क्योंकि उन्हें जमानत 23 तक की ही मिली हुई है। अपील में कब जाएंगे इसका पता नहीं है। पार्टी नेता जयराम रमेश का कहना है कि वे 21 अप्रैल को हाईकोर्ट जाएंगे। हाँ, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उन्हें दोषमुक्त नहीं करता तो ज़रूर उन पर गिरफ्तारी का संकट मंडराएगा। कोई भी अदालत उन्हें दोषमुक्त नहीं करती तो वो 2 साल की सजा काटने के बाद 6 साल तक यानी कुल मिलाकर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सवाल ये उठता है, खुद राहुल गांधी क्या चाहते हैं? राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि खुद भाजपा भी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जेल जाएं और उन्हें किसी भी तरह की सहानुभूति बटोरने का मौका मिले। वैसे भी भाजपा नेता अपने बयानों में संकेत देते रहे हैं कि राहुल गांधी को अपील में जाना चाहिए। देश में अदालतें हैं तो वहाँ जाने से उन्हें कौन रोक सकता है? कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि इस मामले को जितना लंबा खींचा जाए खींचना चाहिए, क्योंकि उन्हें इससे दूर तक जाने वाले मामले में अपना राजनीतिक हित दिखाई दे रहा है। सजा होगी या नहीं ये बात तो अदालत पर ही निर्भर है, लेकिन इस मुकदमे बाजी में देर हुई और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव आयोग ने उपचुनाव करवा दिया तो उनकी सांसदी बहाल होने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। सही मायने में सांसदी बहाल तो अब भी नहीं हो सकती जब तक उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जाता। एक बार सजा हो गई तो राहुल 2024 ही नहीं 2029 में भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल यह है कि राहुल चुनाव न लड़ पाए तो कांग्रेस का क्या होगा? राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राहुल गांधी चुनाव न भी लड़ पाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पार्टी के परोश सर्वे सर्वा तो है ही। 2 साल की सजा काटने के बाद वे चुनाव प्रचार तो कर ही सकते हैं, हो सकता है तब उन्हें और भी ज़्यादा सहानुभूति मिल जाए। वैसे जिस दिन निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी तब से अब तक समूची कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि राहुल और कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की कोई प्रचंड लहर चल सके। 1-2 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद लोग भी भूल गए और तमाम कांग्रेस भी। इसी के साथ बने रहे।